नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राजीव। एक नया वीडियो लेकर आपके सामने फिर हाजिर हूं। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज के वीडियो का टॉपिक है लैपटॉप या कंप्यूटर की स्क्रीन को कैसे रिकॉर्ड किया जाए। दोस्तों, अगर आप एक यूट्यूबर हैं या आप कोई भी ऐसा काम करते हैं जिससे कि आपको अपने कंप्यूटर की स्क्रीन को रिकॉर्ड करके किसी को दिखाना पड़े, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आपने इसके लिए बहुत से सॉफ्टवेयर यूज़ किए होंगे, या तो आपके वो इंस्टॉल ही नहीं हुए होंगे या फिर इंस्टॉल हुए होंगे तो प्रॉपर वे में काम नहीं कर रहे होंगे। दोस्तों, यही सारी समस्या का समाधान लेकर आया है आपका दोस्त राजीव। दोस्तों, मैंने आपके लिए कुछ ऐसे चुनिंदा सॉफ्टवेयर ढूंढ के निकाले हैं जिनको इंस्टॉल करना और उसको यूज़ करना बहुत ही ईजी है, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं आपको शुरू से लेकर एंड तक इसको इंस्टॉल करना और यूज़ करना सब सिखाऊंगा दोस्तों। और दोस्तों, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि मैं जैसे ही अपना नया वीडियो अपलोड करूँ और आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल सके। क्योंकि दोस्तों, मैं यूट्यूब पर यूज़ होने वाले सारे सॉफ्टवेयर को एक एक करके कवर करूँगा और उसको कैसे डाउनलोड करना है और कैसे उसको यूज़ करना है सारी जानकारी आपको दूंगा। क्योंकि दोस्तों, हम यूट्यूब पर चैनल बना लेते हैं पर उसके बाद हमको बहुत से सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है जिसको हम ढूंढने में हमको बहुत प्रॉब्लम होती है और डाउनलोड वो हो नहीं पाते हैं। तो यही सारी समस्या का हम सोल्यूशन निकालेंगे। दोस्तों, चलो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमको लैपटॉप की स्क्रीन पर चलना है। आज जो सॉफ्टवेयर मैं आपको बताने वाला हूँ, उसी सॉफ्टवेयर से हम मेरे लैपटॉप की रिकॉर्डिंग करेंगे और वही वीडियो मैं आपको अपलोड करूँगा दोस्तों। तो चलो, टाइम बर्बाद नहीं करते हुए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। आप देखें, रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है। तो दोस्तों, ये देखिए, ये जो विंडो खुली हुई है, आपको जो मैंने नीचे लिंक दिया है, आप फर्स्ट लिंक पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने से आपको ये पेज ओपन हो जाएगा। दोस्तों, आपको सिंपली इसको डाउनलोड पर क्लिक करना है। ये देखिए, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, डाउनलोड पर मैंने क्लिक कर दिया है। ये देखिए, ये अब मांग रहा है कि आपको फाइल कहाँ सेव करनी है। तो दोस्तों, आप कहीं भी इस फाइल को सेव करके इसको इंस्टॉल कर लें, क्योंकि अगर मैं सारा कुछ करके तो ये इजीली इंस्टॉल हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब मैं आपको दोस्तों इसको यूज़ कैसे करना है वो बता देता हूँ। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, जब ये इंस्टॉल हो जाएगा, इसको इंस्टॉल होने में मुश्किल से आपको 1-2 मिनट लगेगा। तो दोस्तों देखिए, जब आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा तो बता देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये रिकॉर्डिंग का बटन है, ये प्ले का है और पॉज का है, ये आपका स्टॉप करने का बटन है। इसमें दोस्तों आपको सेटिंग का ध्यान रखना है। ये देखिए, रीजन जो है इसको आपको फुल स्क्रीन पर रखना है, नंबर एक। दूसरा है दोस्तों ऑप्शन, इसमें आपको ऑडियो ऑप्शन में जाके अगर आप माइक्रोफोन लगा के रिकॉर्डिंग करेंगे तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। अब कैसे करना है, ये देखिए, फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है माइक्रोफोन का, तो इसको सेलेक्ट कर लें। ठीक है दोस्तों, इसको ओके कर लें। यहाँ से आप सेलेक्ट कर लें माइक्रोफोन को, उसके बाद यहाँ पे वॉल्यूम आपको जैसा रखना है वैसा सेलेक्ट कर लें। ठीक है दोस्तों, इसको ओके कर लें, ध्यान से देख लें दोस्तों। उसके बाद आपको इसमें कुछ भी सेटिंग नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद सीधा आपको इस बटन पर क्लिक करना है। ये देखिए, मैं करके दिखा देता हूँ। अब जैसे देखिए, मैंने इस बटन पर क्लिक किया, ये ग्रीन कलर का ये स्टार्ट हो जाएगा और आपकी रिकॉर्डिंग इस टाइम चल रही है। अब देखिए दोस्तों, मैं इसको पॉज करके इसको ब्लू बटन पर क्लिक कर देता हूँ। अब ये मुझसे पूछेगा इस फाइल को कहाँ सेव करना है। ये देखिए, ये आ गया दोस्तों। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताऊँगा जो बहुत ज़रूरी है, यहाँ पे आप ध्यान देना है। पहला तो आप सेलेक्ट कर लोगे फाइल को कहाँ सेव करना है, डेस्कटॉप पे या किसी भी फोल्डर पे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपको ये फाइल नेम जो है दोस्तों, ये फाइल नेम आपको न्यू देना है कुछ भी, ये जो है इसको ये नहीं रखना है, इसको आप फाइल नेम को चेंज कर देना है। जैसे या तो RRRR या कुछ भी ऐसा एक दे दें। ठीक है दोस्तों, उसके बाद सेव पे क्लिक कर दें, आपकी फाइल रिकॉर्डिंग होके सेव हो जाएगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने दूसरे सॉफ्टवेयर, दूसरे लिंक पर। जब आप क्लिक करेंगे तो आप इस विंडो पर सीधा पहुंच जाएंगे। इस विंडो पर पहुंचने के बाद दोस्तों, ये देखिए, यहाँ पे दो ऑप्शन दिए हुए हैं, एक बाय नाउ का, एक दिया हुआ है फ्री ट्रायल का। तो दोस्तों, आप बाय नाउ पर क्लिक नहीं करेंगे, आप फ्री ट्रायल पर क्लिक करेंगे। और आप ये ना सोचेंगे ये 1-2 दिन चलेगा, ये लॉन्ग टाइम चलने वाला सॉफ्टवेयर है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी।
देखिए मैं आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया है, ये भी हमको सेंड वही पूछेगा फाइल को हमको कहाँ सेव करना है। ये देखिए दोस्तों ये आ गया, हमको फाइल कहाँ सेव करना है। दोस्तों आप कहीं भी जगह पे इसको सेलेक्ट करके आप इसको सेव कर सकते हैं। देखिए इसको दोस्तों जैसे ही आप सेव कर लेंगे ये आपको इस टाइप का एक लोगो दिखाई देगा। ये तो ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल कर रखा है, ठीक है दोस्तों। तो जैसे ही आपका सॉफ्टवेयर जब आप इंस्टॉल कर लोगे तो आप उसको यूज़ कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। ईजी टू इंस्टॉल है, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा, ईजीली आप इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। अब देखिए हम आ जाते हैं इसके यूजेस में। ये देखिए दोस्तों जब आप पूरा इसको इंस्टॉल कर लेंगे और जब आप इसको रन करेंगे तो आपके सामने ये विंडो खुल कर आ जाएगी दोस्तों। इसकी कुछ सेटिंग है इंपॉर्टेंट वो मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ईजी है, कुछ ज़्यादा नहीं है। और इसको कैसे यूज़ करना है वो देखिए दोस्तों, ये आपका स्क्रीन के लिए दिखा रहा है, ठीक है दोस्तों। ये आपका स्क्रीन फुल स्क्रीन सेलेक्ट करके रखना है, इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें कुछ नहीं करना है। और आप देख लेना है वॉल्यूम हमारा कितना है क्या है, बस वही। और ये बैक बटन है, ठीक है दोस्तों। तीसरा है हमारा, अब चलते हैं सेटिंग। सेटिंग में देखिए दोस्तों हमको इसका कोई भी सेटिंग नहीं छेड़ना है, हमको सिर्फ एक ही सेटिंग देखना है, इसका एडवांस सेटिंग। एडवांस सेटिंग में दोस्तों एक बात ध्यान रखना, जो जिसने मेरे को भी काफ़ी परेशान किया था, क्योंकि मैं जब इसको वीडियो बना रहा था तो इसमें क्या है कि मेरा माउस जो मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ क्लिक करो या यहाँ क्लिक करो, ये मेरे माउस का पॉइंटर शो नहीं कर रहा था। तो दोस्तों जब मैंने इसकी सेटिंग सारी चेक की तो पता चला कि ये मेरा क्या है, माउस जो है जब मैंने इंस्टॉल किया था इसको हाइड में था, क्योंकि ये चाहते हैं कि ये परचेज करके ही यूज़ करें दोस्तों। तो आपको क्या करना है दोस्तों, एडवांस सेटिंग में आके इस हाइड माउस को यहाँ से हटा के इसको आपको शो माउस को क्लिक कर देना, उसके बाद यहाँ पे आके दोस्तों इसको देखिए यहाँ पे ओके कर देना है। अब दोस्तों आपको सॉफ्टवेयर काम करने के लिए चालू करें, यहाँ पे देखो आपको दोस्तों माइक्रोफोन का सिंबल आ जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। और आपको क्या करना, सीधा दोस्तों यहाँ से आपको रिकॉर्डिंग बटन पे क्लिक कर देना है। ये देखिए मैंने जैसे आप इस पर रिकॉर्डिंग पे क्लिक किया, ये देखिए टाइम दिख रहा है। अब ये देखिए इस टाइप से आपका ये रिकॉर्डिंग चालू हो गया, अभी रिकॉर्डिंग चल रहा है दोस्तों। यहाँ से जब आप देखो आपकी रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो जाएगी, आप क्या करना इसको यहाँ से स्टॉप कर दें और सेम यहाँ स्टॉप बटन पे क्लिक कर, ठीक है दोस्तों। ये देखिए अब जैसे ही आपने वहाँ स्टॉप बटन पे क्लिक किया आपकी वीडियो की लास्ट रिकॉर्डिंग यहाँ आ गई। अब दोस्तों आपको ये देखना है अगर आपको ये कहाँ पर मिलेगा, आपको इस पर राइट क्लिक करना है और यहाँ पर ये देखिए ओपन द फोल्डर लोकेशन, ओपन द फाइल लोकेशन यहाँ पर क्लिक कर देना। ये देखिए ये वीडियो है आपकी, ये देखिए मैं कुछ और करके दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ठीक है दोस्तों। अगर दोस्तों मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और हम दूसरे सॉफ्टवेयर पर काम कर सकते हैं। थैंक यू, जय जय।